हाउ टू फिक्स एयरटेल आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आउटगोइंग कॉल आपका यदि नहीं काम कर रहा है एयरटेल सिम में, आउटगोइंग से रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको कम से कम 5-6 सेटिंग्स बताऊंगा जिसके मदद से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा, और लास्ट में जो सेटिंग्स बताऊंगा वो आपका मेजर सेटिंग रहेगा, वो करने के बाद में तो आपका 100% सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। बेसिक सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर जाना है, और यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों एक बार अपना मोबाइल को जो है फ्लाइट मोड ऑन कर दीजिएगा आप, ठीक है। फ्लाइट मोड ऑन कर दीजिए, मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद में फ्लाइट मोड को ऑफ कर दीजिए, और एक बार कॉल करके देखिए आपका आउटगोइंग काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमारा मोबाइल जो है रिस्टार्ट या फिर एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करने पर भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चेक कीजिए, होता है सही बात है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको जाना है अपने मोबाइल का डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिम सेलेक्ट करना होगा जिस सिम में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है करियर सेटिंग पे, ठीक है। करियर सेटिंग पे जाके दोस्तों आपको एक बार ये ऑटोमेटिकली जो है इसे आपको ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे ऑफ़ कर दीजिए इसे, फिर से इसे ऑफ़ कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर कुछ नेटवर्क शो हुआ। ये क्या होता है कि दोस्तों आपके नज़दीकी जितना भी नेटवर्क है वो नेटवर्क आपको यहाँ पे शो करता है। अभी आपको आउटगोइंग यदि नेटवर्क इश्यू की वजह से नेटवर्क शो नहीं होता है, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो नेटवर्क आप यहाँ पे चेंज करके एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। चेक करके एक बार आप चेंज करके एक बार चेक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यदि ऑटोमेटिकली, ज़्यादातर तो हम ऑटोमेटिकली ही काम करते हैं, लेकिन एक बार मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका दूसरा सेटिंग है। अभी दोस्तों तीसरा सेटिंग जो है कि आपको कॉल सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। अभी कॉल सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे। अभी कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों अपना कॉल सेटिंग जो होता है वो उलट पुलट हो जाता है, हम छेड़खानी कर देते हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। तो हमें जो है कॉल सेटिंग हमें रीसेट करना है। तो कॉल सेटिंग रीसेट करने के लिए आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप सेलेक्ट कर लेना है या फिर ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी हम क्या करना है, हमें जाना है कॉल मैनेजमेंट या फिर आपको कॉल के नाम से शो होगा। इसे सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप कर देना है, इसे फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा। उसके बाद में स्टोरेज यूसेज में जाके क्लियर डाटा में क्लिक करके इसे क्लियर कर दीजिए। ये क्लियर करने के बाद में आपको बैक आना है, बैक चले आइए। और बैक आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अभी आपका मोबाइल जो है एक बार आपको रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करके आप चेक कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था तीसरा सेटिंग। यदि फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके दोस्तों आपको अबाउट फोन पे जाना है या फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर यदि आपको अपना आपका सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है तब आपको ये अपडेट कर लेना है। कभी कभी अपडेट कॉल में अपडेट आने की वजह से भी आपको आउटगोइंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों एक बार इसे अपडेट कर लीजिएगा, ये अपडेट करने के बाद में तो डेफिनेटली भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी फिफ्थ ऑप्शन दोस्तों, ये सारा करने के बाद में भी आपका नहीं हो रहा है तो दोस्तों एक बार आप अपना मोबाइल को रिस्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। सेटिंग में जाके, फैक्ट्री सेटिंग में जाके आप रिस्टोर कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपका लास्ट सॉल्यूशन है, मेजर सॉल्यूशन। और दोस्तों फिर भी आपका काम नहीं कर रहा है तब तो दोस्तों टेक्निकल इशू होने की वजह से भी कभी कभी काम नहीं करता है, अपना सिम कंपनी कस्टमर केयर से भी एक बार बात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपना एयरटेल सिम कार्ड में अपना आउटगोइंग प्रॉब्लम को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।